गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई। और आज आपका भाई है भाई फंसा हुआ एसपीटी वाले रास्ते पे। आज रास्ता खुलेगा भाई, ये रास्ता क्लियर हुआ है, यहाँ से अभी जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे रास्ता एक बार, गाड़ी में डीजल फुल करा लेते हैं पहले भाई। यही जो होटल तो हमने लिया था ना, इसके बिल्कुल साथ में ही है पेट्रोल पंप। भाई कल का सीन ये था, यहाँ पे जो जगह रास्ता बंद था ना जिस जगह पे, तो भाई कल भी पूरा दिन उन्होंने जोर लगाया, वहाँ पर ब्लास्ट भी किए रास्ते, जो पहाड़ तोड़ रहे थे वो उसमें, मगर रास्ता खुला नहीं था भाई। कल शाम को हम यहाँ रुक गए थे, वापस आ गए 10 किलोमीटर वापस आ गए थे। यहाँ एक होटल था बढ़िया, हिमालयन के नाम से, हिमालय रेजेंसी के नाम से, भाई वहाँ रुक गए थे तो नाइट स्टे किया भी। बढ़िया साफ सुथरा होटल था। अभी यहाँ से निकले हैं, टाइम हो चुका है सुबह के 10 बजने वाले हैं। तो अभी का सीन ये है कि रास्ता तो वहाँ उन्होंने कल दोपहर बाद शाम के टाइम तोड़ फोड़ के एक्सरा कर दिया था। तो अभी उसमें वो क्या कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं उसको, मिट्टी वगैरह डाल के, ताकि गाड़ियाँ स्मूथली चल सके। तो अभी जैसे ही रास्ता थोड़ा ओपन होएगा ना, हम निकल जाएंगे स्पीटी की साइड यहाँ से। तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है आपका भाई प्रमोज और मैं बैठा हूँ साइड में। अभी का सीन तो यही था भाई, आगे जो सीन आएंगे वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद वो जगह जहाँ पर रास्ता बंद था, अभी शायद खुला नहीं है। अभी हमने पूछा पंप वाले को, जहाँ से डीजल गाड़ी में लबलब कराया है ना, वहाँ पूछा है कि उन्होंने बताया कि अभी भाई खुला नहीं है, खुलेगा आज, मगर अभी तक खुला नहीं है। तो अभी चलेंगे भाई, आज जब भी रास्ता खुलेगा चलेंगे स्पीति की साइड और पूरा व्यू आपको दिखाते चलेंगे। तो भाई जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो घंटी का निशान है ना साइड में, उसे बजा देना भाई, घंटी बजा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पुलिस का बैरियर है, गाड़ी हमारी साइड में लगवा दी है इन्होंने। ये बैरियर कल हम क्रॉस करके आगे चले गए थे, मगर आज इन्होंने क्रॉस नहीं करने दिया भाई। कह रहे हैं 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद रास्ता खुलेगा, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। तो देखते हैं भाई, क्योंकि आगे भी हैं 200-400 गाड़ियाँ, वो निकलेंगी पहले, फिर पीछे से गाड़ियाँ आगे जाने देंगे ये। क्योंकि कल हम वापस आ गए थे, हमने पीछे होटल लिया था इस चक्कर में, तो आज तो ये बैरियर से आगे नहीं जाने दे रहे। देखेंगे, चलो जिस टाइम भी भेजेंगे सारा कुछ आपको बताएंगे। अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं भाई सड़कों पे पैदल, मैं भी और प्रमोज भी। भाई अभी हमें यहाँ एक बलैरो वाले भाई से लिफ्ट लिया है, और वहाँ तक जाएंगे अभी जहाँ पे बम ब्लास्ट होएगा ना, जहाँ पे पहाड़ गिरा हुआ वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे। अभी भी कह रहे हैं थोड़ा पत्थर अड़ गया बीच में, उसको निकाल लेंगे तो ब्लास्ट करेंगे, वहाँ पर जाते हैं एक बार। भाई अभी भी खड़े हैं यहीं जाम में, तो रास्ता भी नहीं खुला भाई। और अभी यहाँ दोबारा ब्लास्ट करेंगे, नीचे एक पत्थर अड़ गया, उस पत्थर को निकालेंगे, ब्लास्ट करेंगे भाई। टाइम काफ़ी लग जाएगा, 3 बजे के आसपास रास्ता खुलेगा। तो देखते हैं भाई खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, या आज का व्लॉग भी यहीं पर हमने बनाना पड़ेगा, यहीं पर आपको दिखाना पड़ेगा जाम के अंदर ही। तो जो भी होगा वो भी आपको सारा कुछ बताते रहेंगे। अभी बैठे हैं बस, वेट कर रहे हैं जाम खुलने का। हाँ जी मैला साहब, कैसा मज़ा आ रहा है फिर आपको यहाँ? मज़े तो बहुत है, वादियाँ हसीन वादियाँ हैं चारों तरफ, हरियाली है, मौसम भी सुहाना है। तो कल टाइम लगेगा इसमें रास्ता खुलने में, कल से फंसे हो यहाँ तो दोबारा भी आओगे स्पीति वैली घूमने? बिल्कुल आएंगे, मौका मिलेगा तो दोबारा फिर आएंगे। दोबारा फिर आएंगे
ये होती है बात। देखो ये सर आदमी के अंदर जुनून होता है, कुछ लोग होते हैं कि डर जाते हैं भाई रास्ता बंद हो गया तो फंस गए ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बंदे के अंदर ना थोड़ी सी संतुष्टि होनी चाहिए आराम से, ताकि वो हम कल से बैठे हैं देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, आज रास्ता खुलेगा, वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये देखो सामने आप ये वादियाँ देखो भाई, अभी यहाँ से रास्ता खुलने के बाद ही आगे जाएंगे। एक वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था भाई वो देखो, पर वो तो रास्ता खोल रखा है, एक ही रास्ता बंद है पूरा इस हाईवे पे। भाई ये देखो कितना प्यारा झरना है यहाँ पे, जहाँ पे रोड बंद है ना वहाँ पे जाते वक्त तो हमें मिल गई थी एक बलारो, उसमें बैठ गए थे हम, बलारो थी मैं और प्रमोद उसमें बैठ गए थे, मगर भाई आते वक्त अभी तक तो कुछ मिला नहीं, हम लगभग 2-3 किलोमीटर वापिस आ गए पैदल। और भाई यहाँ से वो जगह है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास, 7-8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आगे भाई 5 किलोमीटर के आसपास अभी बाकी है, तो पैदल चल रहे हैं भाई। ये देखो इस तरह भी कई बार ना जब लैंडस्लाइड होता है ना और आप फंस जाते हो तो इस तरह की भी पोजीशन आ जाती है, तो इसके लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बंदा घबराएगा तो कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि फंस गए यार ये होएगा वो होएगा पता नहीं कब निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, आज यहाँ से रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जो हिमाचल का कृषि मंत्री है ना भाई, वो भी वहीं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है वहीं बैठा है, क्योंकि पीछे ना यार स्पीति की साइड से जो सेबों के ट्रक है ना वो फंसे हुए हैं सारे, 10 दिन से फंसे हुए हैं भाई, 10 से 12 दिन से हो गए उसको, और ट्रकों में से ना बदबू आनी शुरू होगी क्योंकि सेब खराब होना शुरू हो गया। तो कृषि मंत्री ने ऑर्डर दिया है कि पहले जितने भी ट्रक है ना वो 20-30-50 ट्रक है सारे भी, पहले उनको निकाल लेंगे, वो जाएंगे शिमला की साइड, क्योंकि शिमला की साइड नारकंडा में मंडी है सेब की, शिमला में मंडी है, नीचे पंचकुला साइड में मंडी है, तो ये सारा सेब वहां जाएगा पहले, क्योंकि सेब किसानों का खराब हो रहा है भाई, पहले वो निकलेगा फिर जो हम है इस साइड से हम जाएंगे स्पीति की तरफ। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, अभी 12:15 हो चुके हैं और भाई कल से फंसे हुए हैं, कल भी 12 बजे के आसपास हम यहाँ पहुंच चुके थे, लगभग 24 घंटे में हो गए यहाँ पे। तो मैं कह रहा था अगर यहाँ से वापस जाते ना तो मनाली के रास्ते जाना पड़ता स्पीति, तो भाई मनाली की दूरी भी यहाँ से जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, तो पहले जाना पड़ता मनाली फिर वहाँ से जाते स्पीति। तो हमने सोचा भाई यहीं रुक जाते हैं, यहाँ से स्पीति, यहाँ से भी है तो 250 पर स्पीति है यहाँ से, वहाँ से मनाली है 250, उसके बाद स्पीति जाना पड़ता, तो यहाँ से सीधा स्पीति जाएंगे और स्पीति से जाएंगे फिर मनाली, मनाली वाले रास्ते से वापस आएंगे अपने होम टाउन पे। तो इस तरह की जर्नी होने वाली है भाई, रास्ते में एक से बढ़कर एक व्यू आएंगे, सारे दिखाते चलेंगे आपको, झरने आएंगे वो भी दिखाएंगे, जो कुछ आएगा सारा कुछ दिखाते चलेंगे। तो बंद रहना भाई वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, कि आपका कोई अच्छा पॉइंट हो जो आप मिस कर दो भाई। इस जगह पे अभी दोबारा ब्लास्ट हुआ था, देखो ये जगह है वो, और ब्लास्ट के बाद अभी मशीन जो पत्थर था नीचे वो टूट गया, उसको एक्सरा कर रही है जगह को, समतल बना रहे हैं, एक दूसरी तरफ लोडर चला हुआ है, एक तरफ ये जेसीबी टाइप मशीन है ये चली हुई है देखो, अभी एक बार इसको करके उसके बाद यहाँ खुलने की पूरी उम्मीद है भाई, लगभग 1 घंटे में ट्रैफिक खुल जाएगी, और उस साइड की स्पीति साइड की ट्रैफिक निकलेगी पहले, और उसके बाद निकलेगा आपका भाई। भाई अभी रास्ता खुल गया है छोटी गाड़ी, और अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ एक बार कि आपका दिख ही जाए यहाँ से, ये वो देखो भाई वो छोटी गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, जो आगे ट्रैफिक थी ना वो सारी निकालनी शुरू कर दी, ये देखो गाड़ियाँ आ रही हैं। तो भाई रास्ता खुल गया है भाई, टाइम हुआ 12:30 और हम पहुँचते हैं अपनी गाड़ी तक, पहुँचने में लग जाएगा अभी आधा घंटा, तो आधा घंटा लगेगा भी अपनी गाड़ी तक पहुँचने में, और वहाँ से गाड़ी उठाएंगे हम भी, निकलेंगे जैसे ही पुलिस बैरियर खुलेगा वहाँ से आएंगे, तो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। भाई सीन ये है अभी का कि अभी 3:15 हो चुके हैं और भाई गाड़ी में बैठे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि साइड की ट्रैफिक शुरू करेंगे। रास्ता तो खुल गया था भाई, और जो स्पीति साइड की ट्रैफिक है ना वो ही निकल रही है अभी तक, तो अभी भी कोई ट्रक उधर से आ रहा है भाई, और पता नहीं यार हमारा नंबर कब पड़ेगा, 2 दिन हो गए वेट करते, आज दूसरा दिन है, तो देखते हैं क्या रहेगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी भी ये ट्रक स्पीति साइड से आ रहे हैं, कभी बीच में रोड बिल्कुल साफ हो जाता है यार, छोटी गाड़ियाँ तो निकल सकती हैं ना, मगर अभी पुलिस इनको भी निकाल नहीं रही यार, ऐसा कुछ चला हुआ है भाई, पता नहीं आगे सामने नाका है पुलिस का, वो भी दिखा देता हूँ आपको, बैरियर लगा दिखेगा आपको, ये देखो भाई यहीं पे बैरियर लगा हुआ है जो यहाँ से ट्रक आ रहा है,
तो भाई निकलने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या सीन है यार, क्या चक्कर है। अभी तो रास्ता खुल ही गया है, एक ही जगह पे बंद था रास्ता, वो खुल गया, तो क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा है। प्रमोद तो भाई गाड़ी में देखो, चेहरा देखो इसका, सो गया था भाई, बड़े आराम से सो रहा था, मगर मेरे को यार ना तो रात को नींद आई ना अभी नींद आ रही है। स्पीति जाके नींद आएगी मेरे को लगता है, स्पीति जाके आएगी नींद भाई, ऐसे नींद नहीं आएगी मेरे को। बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा आगे का व्यू, जो रहेगा वो भी बताएंगे आपसे। काफ़ी लोग परेशान है भाई उस साइड, तो जो लोग थे ना वो तो 10 से 12 दिन से फंसे हुए थे, जब ट्रक वाले निकले हैं ना वो तो 12 दिन से फंसे हुए थे उस साइड में। एप्पल के ट्रक थे, सेब भरी हुई थी ट्रकों के अंदर, काफ़ी ट्रक निकले हैं सेब के। तो अभी कसीनी है, अभी हमारी बारी आने वाली है, जैसे ही यहाँ से चलेंगे तो बताएंगे आपको। भाई अभी हमने कर दिया क्रॉस, पुलिस का नाका क्रॉस कर दिया और स्पीति की तरफ जा रहे हैं भाई। टाइम हुआ भाई अभी 3:45 पे, देखो नक्का खुला है आज ये 2 दिन में। ये देखो भाई चौथी बार हम आपको सुरंग दिखा रहे हैं, ये स्पीति के रास्ते मिलेगी भाई। इसकी काफी सारी वीडियो आपने देखी होंगी, बहुत वीडियो वायरल होती है इसकी, शॉर्ट्स भी डालते हैं लोग, और जो लोग कंटिन्यू व्लॉगिंग करते हैं उनके तो आप उनकी वीडियो में तो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो भाई आपके भाई ने दिखा दी, तो मैसेज में थैंक्स जरूर लिख के भेजना यार। वो खड़ा तेरा सपेटा बंदा ऐसा अच्छा, ऐसा अच्छा साहब। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद, बहुत आप भी बहुत सर काम कर रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी यहाँ देखो कितना बड़ा लोहे का पुल आया ये, और ये इसके नीचे सतलुज रिवर है। इस तरह का व्यू है इस पुल का, देखो पीछे किस तरह गुलाई से बनाया हुआ, देखो गुलाई भी बना हुआ बिल्कुल। ये जगह आई है भाई बोर्ड लगा था पलिंगी, ये देखो ये ट्रैफिक रोक रखी है, पलिंगी में ट्रैफिक रोक रखी है एक साइड की, जो स्पीति साइड की ट्रैफिक है वो सारी पलिंगी में खड़ी है। अभी उस साइड की निकलेगी, जो स्पीति जा रहे हैं वो निकलेंगे, उसके बाद इनको छोड़ेंगे शिमला की तरफ। भाई ये जो पहाड़ी लोग हैं ना इनके गांव देखो, इन्होंने कहां बसा रखे हैं, देखना देखना भाई कहां पे गांव है। ये वो गांव है भाई, वहां पता नहीं यार कैसे इतने ऊंचा ऊंचे जाके ये बनाते हैं घर, क्या सिस्टम है इन लोगों का, कोई रास्ता भी नहीं दिखता भाई, कोई रास्ता भी नहीं दिखता वहाँ ढंग से, कोई रास्ता जाता हो उस साइड से कच्चा सा रास्ता आया हुआ है वो वहाँ से। ये देखो भाई कितनी खतरनाक जगह पे ये घर बने हुए हैं, यहाँ यहाँ देखो कितना ढलान है ना, एकदम से खड़ा पहाड़ है, एकदम से खड़ा, वहाँ जाके इन लोगों ने घर बना रखे हैं भाई। अभी यहाँ जाकरी से आगे आके ना सड़क थोड़ी साफ मिली है, देखो यहाँ पे टूल है ना बड़ी फड़क बनी हुई है यहाँ पे।
छापरी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस शहर का नाम है भैया टापरी। यहाँ ब्रिज आया भैया, कौन सा ब्रिज है, लोहे का, देखो। अभी रेलगाड़ी में चलेंगे, अभी देखना आज। आईना आईना रेलगाड़ी वाली। इस किनारे पे आ गया, किनारे से पहले नदी से उस साइड में थे भाई, और अभी नदी से इस साइड में आ गए हैं। देखो दोबारा से उसी साइड जाएंगे और यहां से फिर रेलगाड़ी में जाएंगे भाई, अभी देखना। आई आवाज आई ना भाई रेलगाड़ी वाली, फीलिंग फीलिंग रेलगाड़ी की फीलिंग भाई। अभी देखो हमें हो गए घर से आए हुए, हम आए थे वीरवार को, तो वीरवार शुक्रवार शनिवार आज संडे है, और अभी दो तीन दिन और लगने वाले हैं। तो कपड़े हमारे पास नहीं थे, हम तीन दिन के कपड़े लेके आए थे शिमला नारकंडा तक, तो अभी कुछ रास्ते से खरीदे हैं भाई वहां से रामपुर से, तो आगे जरूरत पड़ेगी तो मनाली जाके देखेंगे, अभी तो है हमारे पास ऐसा कुछ सीन था। प्लान तो था हमारा शिमला नारकंडा का, मगर वहां आके प्लान बन गया था स्पीति का। स्पीति का पहले कोई प्लान नहीं था हमारा, घर से हम स्पीति सोच के नहीं चले थे कि स्पीति जाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ। अभी कौन सी जगह है, छोटा सा गाँव है, पता नहीं कौन सा गाँव है भाई, पर यहाँ पे रोड अभी प्यारे आए, अभी पीछे रोड बिल्कुल गंदा था, अभी यहाँ पे आके सड़कें अच्छी आई हैं, तो गाड़ी को भगा भी रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जाएंगे भाई। यहाँ पे कच्छम डैम, और यहाँ से सांगला के लिए अलग रोड जाता है, 18 किलोमीटर अलग है यहाँ से सांगला, और हम जाएंगे सीधा काजा के तरफ। यहाँ से रोड पीछे से मुड़ा है भाई सांगला के लिए, साइड साइड से दबाइए थोड़ी भाई। वो देखो यहाँ ना डैम के अंदर से किस तरह से पानी आ रहा है अंदर से, यहाँ अंदर बिजली बनती है भाई, जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ना सामने, यहाँ पे बनती है बिजली, और ये पानी आ रहा है, देखो वेस्ट पानी जो बाहर आता है वो है, देखो कितना पानी यहाँ पे भरा है। भाई यहाँ से जाते हैं दो रास्ते, एक जाता है रिकांगपियो पांगी काल्पा, दूसरा जाता है पू नाको और ताबो से होता हुआ। अब भाई ये नहीं पता हमें जाना कौन से रास्ते से है, जो नेविगेशन है वो दिखा रहा है ताबो वाला रास्ता, तो चलते हैं नेविगेशन की ही मान के चलना पड़ेगा। ताबो वाले रास्ते से पूछते हैं यहाँ किसी को, रोकना एक मिनट। काजा का रास्ता कौन सा है, यही है काजा, काजा जो नीचे वाली सड़क थी भाई, इसी पे जाना पड़ेगा, यही जाएगी ताबो काजा, यही रास्ता है। और आगे रोड देखो भाई, क्या नजारे हैं यार, क्या व्यू है। We'll be right back.
भाई ये देखो किस तरह के ब्रिज है यहाँ। यहाँ से मुड़ेंगे और इस ब्रिज के ऊपर से जाएंगे भाई। एक ही पिलर के ऊपर ब्रिज है भाई और काफी ऊंचा ब्रिज है भाई। नीचे इसके है सतलुज रिवर चढ़ के ऊपर। भाई आज जो हमने रूम लिया है ना वो ये रूम है देख सकते हैं आप। और वह हमने रख दिया अपना लैपटॉप वगैरह एडिटिंग करने के लिए। और यहाँ पे है बाथरूम इस साइड में। तो सारा कुछ भाई ठीक ठाक है, बढ़िया है सारा। बाकी बात करें रूम की तो रूम हमें मिला है सिर्फ 800 रुपए में। और जगह का नाम है इसका स्पिल्लू। स्पिल्लू है ना, स्पिल्लू जगह का नाम है। पूह में पड़ती है ये। पूह शहर है यहाँ। शहर क्या यार, गांव है वो भी। एरिया है जो वो पूह का एरिया है, ये कस्बा टाइप है। तो अभी पूह में रुके हैं, रात को यहीं रुकेंगे, कल सुबह यहाँ से जाएंगे आगे। तो भाई इस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के निशान को ऑल पर सेट कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे आपको कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में एक अलग ही धमाका होगा भाई, क्योंकि हम जाएंगे पूह साइड से। इतने जबरदस्त रास्ते हैं ना भाई, इतने जबरदस्त रास्ते आप याद करोगे कि कुछ दिखाया था। तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए जय हिंद।